कैमरा देख करके बच्चों के एक्सप्रेशंस देखो। दांत देखो बच्चे के, ये स्माइल जो है ना, ये है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलमेट कैम राइडर। सो गाइस, मैं बड़ा मोटा मोटा सा लग रहा हूँ ना आज कैमरा में, मैं भी खुद को भी मेरे को लग रहा है बड़ा मोटा मोटा लग रहा हूँ। एनीवेज गाइस, बिल्कुल मैं तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए। आज की राइड है, न्यू ईयर राइड है, तो निकलते हैं बस फटाफट से घर से। चिकना लग रहा हूँ बड़ा, है ना, सुंदर लग रहा हूँ, स्मार्ट ही लग रहा हूँ ना। चलिए रानी के साथ पहुँच के बैठ कर आपको दिखाते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं आज की न्यू ईयर राइड पे। तो यार घर से निकल चुका हूँ और अभी गाड़ी में रिजर्व लगा हुआ है 31,233 किलोमीटर या 34 लगा लीजिए, पेट्रोल पंप पे चलते हैं। रिजर्व लगने ही वाला है बस बिल्कुल ही, और पेट्रोल पहले फुल कराते हैं और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। मेरा नॉर्मल पेट्रोल टंकी फुल। पेटीएम कार्ड तो नहीं है जी? नहीं जी, कैश दूंगा जी। क्यों पेटीएम ले नहीं रहे क्या आजकल? हाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा, पेट्रोल डलने के बाद तो निकाल भी नहीं सकते? ये तो मैं के पहले जीरो। दिखाइए जीरो। ठीक है जी, नॉर्मल पेट्रोल जीरो। गाइस संडे के दिन सुबह लगभग 12 बज रहे हैं, 11:54 हो रहा है और ट्रैफिक जैम देख रहे हैं मधुबन चौक पे। भाई साहब इतना ज़बरदस्त जैम है, ट्रैफिक जैम अंडरपास में भी, क्या बताऊँ। ये अंडरपास बना इसलिए था कि ट्रैफिक जैम ना लगे, लेकिन ट्रैफिक जैम तो लग ही रहा है, भैया नहीं। तो भाई अब बात करते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, एक्चुअल में क्या हुआ है। कैमरे की यार बैटरी ख़त्म हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, और लास्ट राइड के बाद मैं चार्ज करना ही भूल गया था इसे, तो अभी लगा दिया चार्जिंग। ये इसीलिए बनाया है पॉइंट, तो आगे के लिए आसानी रहे। तो गाइस अपने कुलदीप जी यही कर रहे होंगे अपनी वेट। तो भाई अपने कुलदीप जी कित चले गए, देखते हैं आ जाओ। भाई ये हैं कुलदीप जी जो हमारे आगे आगे जा रहे हैं, और हमारी बैटरी पता नहीं क्या हुआ था, चार्जर डिसकनेक्टेड हो गया था इसलिए चार्ज नहीं हो पाई थी। जब कुलदीप जी आए तो आपसे तब मिलवा नहीं पाया। अब ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे, और ये हमें अंदर गलियों से ले जा रहे हैं हाईवे की तरफ को, और क्या, बस अभी मेन रोड पर पहुँचते हैं फिर मिलाते हैं आपको। तो गाइस थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई है, बादल छटने शुरू हो गए हैं, और अगर तेज हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, हम तो चल ही रहे हैं, मज़े ले ही रहे हैं, और क्या, बस भाई मस्त चल रहे हैं। हाईवे MH6 के ऊपर है और गुरुग्राम निकल चुका है, मज़ेदार मज़ा आ रहा है बड़ा। मौसम ठंडा है, मौसम का सुहानापन जो ठंडक होती है वो मज़ा दिला रही है। तो गाइस गुड़गांव के बाद का सबसे पहला टोल आ गया है, और अभी हम थोड़ी देर बाद हरियाणा से निकल कर राजस्थान में घुस जाएंगे इस टोल के बाद। तो गाइस लगभग मानेसर ख़त्म हो चुका है और राजस्थान में हमारी एंट्री होने वाली है या जस्ट हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ बॉर्डर तो आएगा, पुलिस वाले तो खड़े होंगे स्टेट बॉर्डर पे,
तो लेट्स सी, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। माई रोड का तरीका ही बदल गया, देखिए एकदम बदल गया तरीका। तो शायद हम राजस्थान में घुस चुके हैं और नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी नहीं घुसे। कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, ये रहा कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे। तो गाइस मस्त सा मौसम हो रखा है, दोपहर के 2 बज गए हैं और 100 किलोमीटर से अधिक मैं चला चुका हूँ, 323.5 हो गया है। अभी टंकी आधी भी नहीं हुई है लेकिन ये एकदम से डाउन जाएगी और राजस्थान में हमारी एंट्री हो चुकी है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। मज़ेदार मौसम, सबसे प्यारा तो मौसम है, ये मेरी माँ ने बनाए थे। है तो बहुत गर्म परंतु मगर लेकिन यहाँ हवा जो है वो इन्हें भेद कर अंदर जा रही है, लेकिन फिर भी बड़े गर्म है ये, मतलब A1 जिसे कहते हैं ना, बहुत जल्दी गर्म कर देते हैं। अगर मुझे लगेगा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं चेंज कर लूँगा। मैं राइडिंग वाले भी लेकर आया हूँ क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए यार, ब्रेक पे दबा दबा के ना बहुत गंदे हो गए यार, बहुत टू मच बैड लग रहे हैं। तो देखता हूँ अभी जैसा होता है राइडिंग वाले निकालता हूँ या क्या करता हूँ, क्योंकि ठंड तो उनमें भी लगती है राइडिंग वालों में, वो गर्म नहीं है। और लेकिन चलिए अभी बड़ा और मज़ा आने वाला है, मोटो ब्लॉक का आनंद भी चलेगा, सब बढ़िया सा चल रहा है। माता रानी की कृपा से अभी तक सब अच्छा है, बाबा अपने दरबार बुला रहे हैं और बहुत बढ़िया इस समय का माहौल चल रहा है, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड पॉजिटिव। पावर की भी कोई टेंशन नहीं है, सब अपने पास है, एवरीथिंग इज फाइन गुड राइट ना सर। तो चलिए निकलते हैं आगे को और फिर आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर धूप खिली है बड़ी ज़बरदस्त और आपका प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा और भी राइड का मज़ा आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बढ़िया धूप आ गई है एकदम से खिलखिलाती हुई। वो देखिए सामने सरसों के वो लगे हुए हैं, खेत है, इस साइड भी सरसों है, सरसों ही सरसों दिखाई दे रही है दोनों तरफ ऐसे लगता है DDLJ का सीन हो
तो गाइस पहले मुझे पता नहीं चला था हरियाणा से अब निकल के राजस्थान में पहुंचे हैं और राजस्थान का पहला टोल भी आने वाला है। ये लिखा है सामने हरे बोर्ड पे, टोल प्लाजा 500 मीटर। तो मस्त एकदम सा रोड है, मक्खन सा रोड है, और जैसा कि इंडिया में टू व्हीलर सभी टोल से फ्री है इसीलिए हम भी फ्री निकल रहे हैं है नहीं। चलो मस्त आ गया है, थोड़ा सा अभी पेट्रोल वेट्रोल डलवाएंगे। लगभग रानी 150 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, 31,375 हो चुके हैं और टंकी अभी है, मतलब मान के चलो ये 31,400 तक कंप्लीट हो जाएंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, लेट्स सी व्हाट विल बी। भाई साहब जान निकल गई थी, एक डंडा मारेगा क्या गलत में मैं ही निकल के आया था भाई, देखो गलती तो मेरी ही थी है या नहीं। और लेकिन चलो निकल गया, एक्चुअली वो डंडा खड़ा था तो मुझे लगा शायद इस साइड डंडा होगा ही नहीं और मैं यूँ निकलने लगा, जैसे ही मैं निकलने लगा उसने डंडा ही बिठा दिया नीचे। भाई डर गया था एकदम से सीन हो गया भाई मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट यही कहूँगा पहाड़ शुरू हो गए हैं, धुंध है यहाँ भी अच्छी खासी लेकिन धूप भी है अच्छी खासी। तो मैंने ग्लव्स भी उतार दिए एक हाथ के हैं अभी, और भाई मज़ा तो आएगा ही आएगा ना जब आपको राइडिंग करने को मिल रहा होगा यानी राइडिंग करने को मिल रहा है तो मज़ा तो आना ही आना। 379 का फ्यूल रिफिल कराया था जिसमें से 175 किलोमीटर लगभग चल चुकी है गाड़ी, लगभग मान लो, और फ्यूल इंडिकेटर बार बार आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर लेवल दिखा रहा है इतना है कि पेट्रोल पंप तक आराम से पहुँच जाएगी कोई भी, बाकी देखते हैं कितने का पेट्रोल लेवल डलता है इसमें। तो भाई साहब यहाँ पेट्रोल डला 3.59 लीटर जबकि हमने दिल्ली में डलवाया था 4 लीटर, और सिर्फ 3.59 लीटर्स डला है पेट्रोल, जिसकी कीमत पड़ी मुझे 400 रुपये नेट, क्योंकि यहाँ पर है 110 और दिल्ली में है 96। तो भाई यहाँ का तो पेट्रोल भी बड़ा महंगा है भाई, 15 रुपये लीटर का फ़र्क है, अगर किसी ने 10 लीटर डलवाया तो 150 रुपये का डिफरेंस है, तो बाप रे। चलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल, अब आए हैं तो ये क्या सोचना, डलवाना तो पड़ेगा ही ना दोपहर के लगभग 3:30 हो गए और भूख लग रही है यार, अब लग रही है भूख दबा के। अभी कहता हूँ उनको यार कुछ खाते हैं तो गैस भी बनेगी है नहीं, कुछ नहीं लेते हैं खाने के लिए ढंग का, कुछ आराम से एक दो रोटी खाएंगे, थोड़ा दाल वाल खाएंगे। कुलदीप जी चाहते हैं कि एक बार हाईवे से अंदर मुड़ने के बाद कुछ खाएं, 15-20 मिनट की बात है, एक टर्न है हमारा, उसी पे ही मुड़ जाएंगे क्योंकि उसी पे मुड़ने के बाद हम लोग फिर नाश्ता वाश्ता मतलब खाना वाना खाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, ये बेटर रहेगा अपने ख्याल से। तो गाइस कितना बड़ा बोर्ड होटल हाईवे किंग का लगा हुआ है, लेकिन उससे पीछे देखिए आप पहाड़ी पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ बस बढ़िया सी जगह पहुँच गए हम, थोड़ा सा ही और समय रह गया, धुंध है ऐसी बात नहीं, हमें ये था कि शायद धुंध नहीं निकलेगी, राजस्थान है तो, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह की सुबह देखेंगे कैसा होता है, बंद चलने से पहले वैसे ही निकल चले। यार फाइनली हम लोग
शाहपुरा पहुंच गए हैं और सब थोड़ा खाना वाना भी खाएंगे मुड़ते ही, सिटी में इंटर करते ही ना शाहपुरा खाना वाना खाएंगे। यार बड़ी तेज भूख शूख सी लग रही है। खाटू श्याम जी के लिए ये वाला रास्ता है या आगे से कट है कोई है? खाटू श्याम जी के लिए यहाँ से जाना है या आगे से? इधर से ही ले ले, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा शायद। रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा ना? रॉन्ग साइड नहीं, अच्छा ठीक है। गाइस फाइनली होटल में आके रुके हैं अभी, ढाबे पे खाना खाने के लिए। भूख बहुत तेज लग रही थी जैसा मैंने व्लॉग में बताया, तो अभी चलिए खाना वाना कुछ खा लेते। तो गाइस यहाँ पर हमने लिए दाल, मिक्स दाल और रोटी, बस नॉर्मल खाना एकदम। भाई मस्त वाला मौसम हो गया है, खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद भाई ये कैमरा ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ दूसरी तरफ लगा करके, और बढ़िया एकदम मज़ेदार थ्रिलिंग मौसम है यार, मज़ा आ गया। खाना वाना खाने के बाद एकदम मज़ेदार मौसम का हमने आनंद उठाया है, और भूख लगी थी उस समय ना बड़ी तेज, और अब बस पिकअप निकाल रहे हैं और गाड़ी फटाफट चलाते हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और ठंड का मौसम है ना, अंधेरा भाई काटता है, काटता है बिल्कुल है या नहीं। तो भाई बात आज आप लोगों से खास हो नहीं पाई, आज मस्त राइडिंग जो रही हमारी, और बात के तौर पे बस इतना ही कहूँगा कि भाई मज़ा बड़ा आ रहा है आज, मतलब समझ लो आप लोगों को दिखा रहा हूँ पहली बार मैं इतनी दूर राइड पे आया हूँ, लॉन्ग राइड पे आया हूँ, आप लोगों को दिखाया कभी नहीं मैंने, मतलब पहले कभी गया हूँ लेकिन कैमरा वगैरह नहीं था मेरे पास उस समय, मैं मोटो व्लॉग नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे जो कि आप लोगों को दिखाना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, बेसिकली बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, तो वो और मज़ेदार है सीन, अच्छा लग रहा है, मतलब थ्रिलिंग है, अच्छा है। क्या क्या बोलूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बातें करने आ रही है, बहुत सारी बातें होती है यार, हर बातें क्या क्या करता रहा यार, नहीं ना अंधेरा हो रहा है यार, अंधेरे से पहले पहले फटाफट पहुँच जाऊँ क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है, ठीक है ना, तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और दिखाता हूँ कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, तो देखते हैं और फिर चलते हैं आगे भी निकलते हैं। खाटू शाम के लिए, खाटू शाम है?
कैमरा देख करके बच्चों के एक्सप्रेशंस देखो दांत देखो बच्चे के, ये स्माइल जो है ना ये है। जब तक दिन निकला था तब तक तो अच्छा था, हाथ कुकुड़ रहे, कुकुड़ एकदम मजेदार कुकुड़ रहे भाई। बड़ी ठंड हो गई एकदम, सूरज छूटते ही ना जबरदस्त ठंड है, एकदम जबरदस्त ठंड। सिंगल रोड जरूर है लेकिन ये अच्छी बात है कि रास्ता एकदम साफ है, क्लीन है। देखो स्पीड 70-75 यहाँ चल रही है सिंगल रोड पे भी, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, अच्छी बात है। इससे क्या है ना, आदमी जो है वो परेशान नहीं हो रहा है, नहीं तो अंधेरे में झटके भी होते, ये सब भी होता। उससे बेटर है कि आदमी जो है मज़े से रोड पे, सिंगल रोड पे चल जरूर रहा है या नहीं। तो रिंगस से लेकर के आपको खाटू जी तक ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये निशान उठा रखा है। जी हाँ, इनको बोलते हैं निशान। और ये यहाँ से लेकर के ये लोग पैदल अपनी गाड़ी से, अपनी टू व्हीलर से, जैसे भी लेके जाना चाहो आप लेकर जा सकते हो। ये निशान है, ये देखिए बहुत सारे दिखेंगे आपको, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस बस अब थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं तोरण द्वार की तरफ, थोड़ा सा ही रह गया बस, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। हमने क्या किया, हम तोरण द्वार की जगह ना पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, होटल वोटल पीछे की तरफ है, हमें पैदल चल के आना पड़ता वहाँ पार्किंग लगा करके। ये हम सीधा पीछे की तरफ को जा रहे हैं, तो ये पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ मैं। हम लोग पहुँच गए हैं तोरण द्वार पर, देख रहे हो। तो ये फाइनली कमरा मिला है हम लोगों को, है तो इस पे 3 लोगों की सोने की व्यवस्था, लेकिन 2 लोग हम लोग हैं काफ़ी है, और करीब 1000 रुपये का इसका रेंट है। है ये धर्मशाला, लेकिन ठीक है चलिए, काम निपटाने का मेन है, निपट जाएगा रात का काम। बहुत महंगा चल रहा है न्यू ईयर की वजह से सारा कुछ, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा ही पड़ा है क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। ये साथ में ही अटैच बाथरूम है, पर बाथरूम में लाइट नहीं है। तो मैं क्या कहने जा रहा था, किस लिए आया था कि हाँ, हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ठीक है ओवरऑल धर्मशाला है लेकिन ठीक है, वर्थेबल है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर की वैसे वैसी बड़ा रश है, तो चलो थोड़ा सा लोअर में ही रहेंगे। इसीलिए बड़ी बहुत है, अच्छी खासी बनी हुई है।